माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया था भारत सरकार को, तो उससे हमें DRDO की मदद मिल रही है। हम लोग 2 टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, 2 की जो है हमने रिक्वेस्ट की थी, तो 2 हम बना रहे हैं, 1 गढ़वाल में बना रहे हैं और 1 कुमाऊं में बना रहे हैं। कुमाऊं में हम लोग हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, उसी के परिसर में बना रहे हैं और उसको रन भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज ही रन करेगा, उसमें अपना पूरा स्टाफ सारी चीज़ें वही लोग लगाएंगे, हम लोग बाकी फंड करेंगे, पूरी फैसिलिटी बना के DRDO में देंगे, रन हम लोग करेंगे अपनी मैन पावर से। और गढ़वाल में हम लोग IDPL में बना रहे हैं, जो एम्स जिसको रन करेगा, एम्स से बात हो गई है, एम्स के लोग उसको चलाने के लिए तैयार हैं। एम्स ने हमें ये कहा है कि क्योंकि हम 500-500 बेड की फैसिलिटी बना रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि उससे ज़्यादा चलाया जाना संभव नहीं है, अभी हमारे पास जितना स्टाफ है इससे ज़्यादा बेड हम लोग चला नहीं पाएंगे, तो वर्तमान परिस्थितियों में 1000 बेड बहुत बड़ी फैसिलिटी है अगर हम बनाते हैं इसमें, तो इसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें 400 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड और 100 बेड ICU ये प्लान्ड है, वो हल्द्वानी के लिए प्लान्ड है। यहाँ हमने ट्राई किया था तो एम्स को, क्योंकि हमने डिस्कस किया तो एम्स ने कहा कि हम 100 बेड का ICU अपने खुद के हॉस्पिटल में खड़ा कर लेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए, तो हम लोग उनको उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको चीज़ें चाहिए होगी वो हमसे दे देंगे उनको, तो 100 बेड का ICU अपने हॉस्पिटल में बढ़ाएंगे, और जो 500 बेड में से 400 प्लस 100 था उसमें पूरे 500 में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाएंगे, उसको पूरा एम्स रन करेगा अपने मैन पावर, और इससे जो फंडिंग और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो राज्य सरकार उसको वहन करेगी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है, एक हम लोग की जॉली ग्रांट, हिमालयन जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेज का, मेडिकल कॉलेज है, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि उनके पास भी 400 बेड हैं, 400 बेड की एक बिल्डिंग है जो खाली है, उसमें ऑक्सीजन की पाइपलाइन और सारी चीज़ें हैं, और 100 बेड का ICU भी है उनके पास जो अभी नहीं चला रहे हैं वो, अगर उनको राज्य सरकार से ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल जाए, ऑक्सीजन का वेसल या जो प्लांट या जनरेशन या कुछ भी चीज़ मिल जाता है तो वो उसको चलाएंगे, तो हम लोग DRDO से वो भी टाई अप कर रहे हैं कि जॉली ग्रांट में भी ये 400 बेड इंक्लूडिंग 100 ICU, इसके लिए उन्होंने कुछ वेंटिलेटर की डिमांड की है और ऑक्सीजन की, हमने उनसे प्रपोजल मंगा लिया है और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप पूरा चीज़ दे दिए, जो जो चीज़ वो मांगेंगे वो हम दे देंगे, मैन पावर वो अपना लगाएंगे नेचुरली, क्योंकि मैन पावर का ही मेजर इशू है, और क्योंकि उनके हॉस्पिटल के अंदर वो फैसिलिटी रहेगी तो उनके चलाना भी उनके लिए आसान होगा, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 1400 बेड की फैसिलिटी हम और क्रिएट कर ले जाएंगे 15 दिन में, मुझे उम्मीद है कि हम 15 दिन में ये भी खड़ी कर देंगे।